रास्ता ये क्या बोले? क्या लेडी की एक एक छोटी जवान औरत जिसके छोटे दो 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 बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या करेंगे वो? अब ये कौन सी इंसानियत है कि आप एक स्कूल टीचर को जिसका ना कोई लेना ना देना पॉलिटिक्स के साथ या किसी और चीज के साथ, उसको इतनी बेदर्दी से मारते हो? और यहाँ से बीजेपी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जम्मू कश्मीर में हालात ठीक कर दिए हैं, पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं वो लोग। इतनी सख्ती करने के बावजूद, जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम करने के बावजूद, वो यहाँ के लोगों की बेगुनाहों की जान बचा नहीं पाते हैं। रोज कुछ ना कुछ होता है। कल रात को भी वहाँ आपने सुना होगा अनंतनाग में किस तरह एक बेगुनाह को मार दिया गया, और आप कहते हैं जी वो हम पे हमला कर रहा था, कुकरना का लड़का। तो ये तो हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने 2019 से लेके उससे पहले भी 5 अगस्त से लेके जो यहाँ पर वो पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर स्टेप्स लेते हैं, जो इकदाम करते हैं, उसकी वजह से यहाँ हालात दिन ब दिन और बिगड़ रहे हैं। और ऐसी जो आज ये कल जो ये लेडी जिसके जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल का है, दूसरे कोई 7वीं जमात में बच्ची पढ़ती, कहाँ जाएंगे ये लोग? और ये हमारी सरदार जो हमारे भाई हैं, इन मुश्किल हालात में, इतने तकलीफ देह हालात में ये लोग हमारे साथ यहाँ डटे रहे, बने रहे, आज उन पे भी अटैक हो गया, इसकी जितनी मजम्मत हो मुझे लगता है वो कम है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।